Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। पहली तीन वीडियोस के बाद आज ये आपका फोर्थ क्लास है। तीन क्लास आपकी पहले हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने उन तीन क्लासों को बेहतर तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा और कॉपी किया होगा। आज ये फोर्थ क्लास है तो उसमें मैं जो परसेंटेज का बेसिक आपको पढ़ा चुका था और बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं उनको हम वहाँ पर स्टडी कर चुके थे। आज हम वहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे और बीच में जो आपका गैप हुआ है वो आपको मैं बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर कि कैमरे की वजह से और ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। अगर आज भी इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर पिक्चर की और ऑडियो की कोई कमी है तो जरूर कमेंट करें, जरूर मुझे टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करें, मैं आपकी उस समस्या का समाधान फिर से करने के लिए तैयार हूँ। अभी जो है मुझे लगता है कोई भी इश्यू साउंड का और पिक्चर का नहीं आ रहा होगा। पूरी उम्मीद है, अच्छा है, बेस्ट चीजें लेके आया हूँ मैं, कैमरा है और जो ऑडियो के लिए लेके आया हूँ माइक वो भी अच्छा है। अगर फिर भी आपको लगता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम चलते हैं परसेंटेज में थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर परसेंटेज में मैंने आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चन कराए थे। आज हम परसेंटेज का बहुत ही इंपोर्टेंट एक कांसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे वो कांसेप्ट क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि वो जो मैं कांसेप्ट आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा कांसेप्ट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो आज की क्लास का सबसे पहले आप देखेंगे कांसेप्ट क्या है, पहले कांसेप्ट को समझेंगे। कांसेप्ट का मतलब क्वेश्चन को कैसे पहचानना है एग्जाम में, किस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को पहचानना। क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में हम पूरे मैथ से डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। और वो आपको बताएगा ये जो कांसेप्ट है ये बताएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो कांसेप्ट को समझेंगे सबसे पहले, जैसे किन्हीं भी दो चीजों का मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कराने से पहले। किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लाई जब किसी तीसरी चीज के बराबर होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है और किसी व्यक्ति ने कितनी चीनी खरीदी, अगर उसकी मात्रा का मल्टीप्लाई उसके मूल्य में कर दिया जाए तो चीनी पर उस व्यक्ति ने कितना खर्चा किया ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम पेट्रोल की बात करें, मान के चलो 80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है और 5 लीटर किसी व्यक्ति ने अपनी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाई तो उसका कितना खर्चा है आप कैसे निकालेंगे, 80 × 5 = 400 ऐसे तो निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी आर्टिकल का प्राइस कितना है, किसी भी आर्टिकल का प्राइस कितना है प्राइस और मल्टीप्लाई उस आर्टिकल की कितनी मात्रा हम खरीदते हैं, उस आर्टिकल की कितनी मात्रा क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस जो होता है वो बराबर होता है हमेशा एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर का मतलब उस आर्टिकल पर हमने कितना खर्चा किया, कितने रुपए का खर्चा किया। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किसी मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है या कह सकते हैं भाव क्या है, मल्टीप्लाई उसकी हमने कितनी मात्रा खरीदी, मूल्य मल्टीप्लाई मात्रा जो होता है वो बराबर होता है उस आर्टिकल पर हमने कितना खर्चा किया, खर्च के बराबर होता है। तो मूल्य मल्टीप्लाई मात्रा बराबर होता है खर्च के, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किन्हीं भी दो राशियों का मल्टीप्लाई एक तीसरी राशि के बराबर होता है, किन्हीं भी दो राशियों का मल्टीप्लाई एक तीसरी राशि के बराबर होता है तो वहां पर कुछ क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पर आधारित उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं लेकिन मैं बस एक फॉर्मूले से आपको सारी चीजें समझा देता हूं, उसके बाद आपको कई एग्जाम्पल दे दूंगा फॉर्मूला इसके। तो पहले आप बस इससे समझेंगे, जैसे मान के चलो किसी आर्टिकल का जो मूल्य है वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि किसी भी चीज का जो मूल्य है वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम है और एक व्यक्ति 5 किलोग्राम की खपत करता है,
चीनी हो, दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो, तो 80 में 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई 5 40, 400 रुपए का उसका खर्चा हो जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब किसी वस्तु का भाव क्या है उसमें अगर उसकी मात्रा का मल्टीप्लाई कर दें तो खर्च निकल के आ जाएगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि मान के चलो अब हमें क्वांटिटी नहीं पता हो, हमें पता हो कि 400 रुपए खर्च करता है, 80 का भाव है तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज कैसे निकालेंगे, तो 80 यहाँ पर बटे में चला जाएगा, 80 से 400 भाग दे देंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम क्वांटिटी निकालेंगे तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ऐसे यहाँ पर प्राइस निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। इतना तो आपको आता ही होगा भाई, देखो आप जो है सभी इंटर ग्रेजुएशन करके आए हैं तो इतना तो हर किसी को आता है कि पक्षांतर करने पर मल्टीप्लाई बाय चीजें जो है वो बट्टी में चली जाती है। तो बेसिक सी चीजें हैं बहुत, फिर भी मैं बेसिक से आपको लेके चलूंगा, सारी चीजें बता के चलूंगा। तो देखो जब कभी भी दो राशियों का मल्टीप्लाई तीसरी राशि के बराबर होता है तो इन राशियों में आपस में दो तरह के रिलेशन होते हैं, क्वांटिटी में, प्राइस में और खर्चे में दो तरह के रिलेशन होते हैं। मतलब कहने का मतलब जब इनमें चेंज आता है तो इनमें चेंज आने पर इन दूसरी राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मूल्य में चेंज आएगा और क्वांटिटी जो है हमारी कांस्टेंट है तो इस पर एक्सपेंडिचर भी प्रभाव पड़ेगा। जब कभी भी तीनों में से कोई एक राशि कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का मतलब निश्चित होती है, बदलती नहीं है, तो एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन दो तरह से होता है, कौन कौन से तरीके से होता है, एक जो परिवर्तन होता है वो तो हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन की अगर हम हिंदी में बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन को कहते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है, अब ये समझना है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक राशि में परिवर्तन करने पर वही सेम परिवर्तन किसी दूसरी राशि में हो, एक चीज कांस्टेंट होने पर, तो उन चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जो बराबर वाली राशियां होती हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस का रिलेशन, प्राइस को अगर मैं पी से डिनोट करूं तो प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सपेंडिचर के, किसी आर्टिकल पर कितना खर्चा किया। ईएक्सपी का मतलब है भाई एक्सपेंडिचर, पी का मतलब है प्राइस। सेम उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से किसी आर्टिकल की जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सपेंडिचर के, और एक्सपेंडिचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होगी कि जब प्राइस जो है वो एक्सपेंडिचर के अगर समान पाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी आर्टिकल के प्राइस में वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगा, तो एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मान के चलो चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाए, तो चीनी की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी तो हम सरकार के डिसीजन का विरोध क्यों करते हैं। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो हम सरकार के डिसीजन का विरोध क्यों करते हैं। विपक्ष जो है वो क्यों मुद्दा उठाता है कि सरकार ने महंगाई कर दी, वो इसलिए उठाता है कि अगर किसी भी चीज के प्राइस में वृद्धि होगी तो हमारी जेब पर खर्चा बढ़ जाएगा, आम आदमी की जेब पर खर्चा बढ़ जाएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, इसलिए उसका विरोध किया जाता है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि अगर सरकार किसी चीज का मूल्य बढ़ा रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर क्यू कांस्टेंट हो, मतलब मात्रा में अगर कोई भी परिवर्तन ना आए, अगर क्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो तो प्राइस का रिलेशन एक्सपेंडिचर से जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस का मतलब मूल्य का खर्चे से रिलेशन डायरेक्ट होता है। अगर किसी भी चीज का मूल्य बढ़ेगा तो आदमी की जेब पर खर्चा बढ़ जाएगा, और अगर मूल्य में कमी होगी, नीचे तीर का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और रेड कलर का मतलब है कि नीचे का मतलब कमी, अगर मूल्य में कमी होगी तो खर्चे में भी कमी हो जाएगी। इसका मतलब जो परिवर्तन इसमें हो रहा है सेम परिवर्तन उसमें, अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो खर्चे में भी वृद्धि हो रही है, और अगर इसमें कमी आ रही है तो खर्चे में भी कमी आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन जो है वो कैसा हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक चीज में जो परिवर्तन हो रहा है सेम परिवर्तन दूसरी वाली चीज में भी वही हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो किसी भी चीज के मूल्य का खर्चे पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट प्रभाव का मतलब मूल्य में वृद्धि होगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, मूल्य में कमी होगी तो खर्चा भी कम होगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत आसान दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वांटिटी का रिलेशन एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज की खपत ज्यादा करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा, और अगर हम किसी चीज की खपत कम करेंगे, अगर हम किसी चीज की खपत कम करेंगे, जो रेड है ये कम की
कमी को दर्शा रहा है, किसी चीज की खपत कम करेंगे तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, कब, जब मूल्य जो है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब पहले के समान रहे, जैसा है उतना ही रहे, प्राइस में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो जैसे आपने इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, गांव के, गांव में देखा होगा आपने, कहते रहते हैं कम खाओ खर्चा ज्यादा होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप कम खाएंगे तो आपका खर्चा कम होगा, ज्यादा खाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। बाइक आप ज्यादा चलाएंगे तो खर्चे ज्यादा होगा, बाइक आप कम चलाएंगे तो खर्चा कम होगा। इसका मतलब क्वांटिटी का खर्चे पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये अगर बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कर रहा है। तो इसको प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन किन राशियों में होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है हमेशा बराबर की राशियों में। जैसे प्राइस का एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्वांटिटी का एक्सपेंडिचर से भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये दोनों जो रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन होंगे। एक और रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। एक दूसरा रिलेशन और समझेंगे, दूसरा रिलेशन होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि किसी एक राशि में अगर हम कोई परिवर्तन करें तो दूसरी राशि में उसका विपरीत परिवर्तन हो। एक राशि को अगर बढ़ा रहे हैं, एक राशि में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरी राशि में कमी आ जाए, और एक राशि में अगर कमी कर रहे हैं तो दूसरी राशि बढ़ जाए। मतलब एक राशि में परिवर्तन का दूसरी राशि पर उल्टा प्रभाव पड़े, वृद्धि तो दूसरी में कमी, और एक में कमी तो दूसरी में वृद्धि, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। और हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो मल्टीप्लाई वाली दोनों राशियों में होता है। प्राइस का क्वांटिटी से अगर हम बात करें तो प्राइस का क्वांटिटी से होगा इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये जो मल्टीप्लाई वाली राशि होती हैं इनमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, और बराबर वाली जो राशियां होती हैं इनमें हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये आप पहचान बना सकते हैं रिलेशन पहचानने की, वैसे समझेंगे जैसे मैंने समझाया। तो यहाँ पर प्राइस का क्वांटिटी से इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी आर्टिकल का प्राइस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, कब, जब एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट हो, खर्च हमारा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है समान, नियत कभी भी बदले नहीं। खर्च अगर हमारा कांस्टेंट है, अगर हम किसी भी आर्टिकल पर समान खर्चा रखना चाहते हैं, इस रिलेशन को पहले टेक्निकली समझेंगे फिर बहुत आसान से एग्जांपल दूंगा, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अगर हम किसी भी आर्टिकल के मूल्य में वृद्धि करेंगे तो उसकी खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा खर्चा पहले के बराबर रह सकता है, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब देखो, प्राइस में जैसे ही मैंने वृद्धि की तो क्वांटिटी में कमी हो गई, उल्टा तीर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर प्राइस में अगर मैं कमी करूंगा तो मेरी क्वांटिटी उसी दर से अपने आप बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो दोनों में, जब मैं इसमें जो परिवर्तन कर रहा हूँ तो पी में जो तो इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर मूल्य को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर मूल्य में कमी करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो टेक्निकल मैंने बताया था, ये टेक्निकल तरीका हो गया आपको प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन बताने का। एक मैं अब बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा, प्राइस में वृद्धि और क्वांटिटी पर विपरीत प्रभाव कैसे आप पता कर सकते हैं वो देखेंगे आप। जैसे मान के चलो मैं अपने खर्चे को पहले के बराबर ही रखना चाहता हूँ। पेट्रोल पर खर्चा होता है, मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरा पेट्रोल पर खर्चा होगा, या मैं गाड़ी चलाता हूँ तो पेट्रोल पर खर्चा होगा। तो पेट्रोल पर जो खर्चा होता है उसे हमें पहले के बराबर रखना है, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मतलब नियत रखना है। तो खर्चे को अगर हमें नियत रखना है और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो जाए, अगर पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो जाएगी और खर्चे को हमें पहले के समान रखना है, तो वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हम पेट्रोल की खपत में कमी कर दें, मतलब बाइक को पहले की अपेक्षा कम चलाएं। सेम उसी प्रकार से आप मान के चलो चीनी में खपत करते हैं प्रत्येक महीने घर में, तो चीनी की जो खपत होती है, अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो क्या कहेंगे कि चीनी महंगी हो गई है भाई कम खाओ, ऐसा व्यक्ति क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि हो गई, अगर वो महंगी हो गई है तो अगर हम उसकी खपत में कमी कर देंगे तो हमारे खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना खर्चा पहले था आज की डेट में खर्चा हमारा वही बना रहेगा, इसीलिए व्यक्ति ऐसा करता है। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हम क्वांटिटी से भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव ना पड़े, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये जो है ये इनडायरेक्ट रिलेशन जो होता है, इसमें अगर इसमें वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, इसमें अगर कमी होगी तो इसमें वृद्धि होगी, जब ये एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम
एग्जाम के पर्पस से देखें तो डायरेक्ट रिलेशन पर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन जो है ये इनडायरेक्ट रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी एप्लीकेशन पर बनेंगे। अभी हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी एप्लीकेशन पर बनेंगे। अभी मैंने आपको बताया जैसे सेम इनमें रिलेशन जो है सेम उसी प्रकार से मान के चलो, एक और फॉर्मूला मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। जैसे ये है कि लेंथ किसी भी आयत की लंबाई और मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आयत की चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ जो है वो बराबर होती है आयत के क्षेत्रफल के, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होती है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। तो जो मैंने आपको ये समझाया प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, सेम रिलेशन जैसे इसमें बताए हैं, सेम इफेक्ट जो मैंने बताए हैं प्राइस का एक्सपेंडिचर से क्वांटिटी का एक्सपेंडिचर से ऐसी प्राइस का क्वांटिटी से, ये जो सेम इफेक्ट बताए हैं सेम वही इफेक्ट इस फॉर्मूले में पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब जो लेंथ है, लेंथ जो है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ब्रेथ जो है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ का मतलब लंबाई क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, चौड़ाई क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। लेकिन अगर लंबाई का चौड़ाई से रिलेशन की बात करें तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब आईएनडी का मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब लेंथ में वृद्धि तो ब्रेथ में कमी, अगर लेंथ में वृद्धि तो ब्रेथ में कमी, अगर ये वाली चीज कांस्टेंट हो, अगर एरिया जो है वो कांस्टेंट हो तो लेंथ में अगर वृद्धि करेंगे तो ब्रेथ को घटाना पड़ेगा तभी क्षेत्रफल कांस्टेंट रह सकता है, और लेंथ में अगर कमी करेंगे तो ब्रेथ को हमें बढ़ाना पड़ेगा तभी क्षेत्रफल कांस्टेंट रह सकता है। ये जो इनडायरेक्ट रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी बैंक रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा आते हैं। इसका प्रयोग केवल परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट लॉस में, उसके अलावा आगे टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें इस रिलेशन पर क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूँ आपके दोनों रिलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई इश्यू नहीं है, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है आपको, ठीक है। सत्वी सर मिटाने वाला कहां गया? तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन। अब देखो ये जो मैंने आपको रिलेशन बताए हैं इन पर आधारित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें देखेंगे अब हम नेक्स्ट आगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखा होगा, पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे इसको और करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है, कोई भी चिंता नहीं करनी भाई, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेके काम नहीं बनेगा, टेंशन को तो हटा के काम बनेगा, टेंशन लेके काम नहीं बनेगा, जितनी ज्यादा टेंशन लोगे उतनी ही ज्यादा फंसते चले जाओगे तुम। चिंता चिता के बराबर है कहावत, नहीं सुनी गाँव में, कितनी आसान कहावत है, चिंता चिता के बराबर है, तो टेंशन क्या है, चिंता ही तो है, जितनी ज्यादा तुम टेंशन लोगे चिंता करोगे उतनी ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए किसी भी चीज से, कोरोना की टेंशन, क्या होगा, वैकेंसीज नहीं आएंगी, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, कोई भी चिंता नहीं करनी, केवल आपको अपना कर्म करना है, केवल आपको कर्म क्या है तुम्हारा, केवल पढ़ाई करनी है आपको, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आप अपना कर्म करिए फल अपने आप मिल जाएगा, फल की चिंता ना करें कि वैकेंसी नहीं आएगी, सर कोरोना चल रहा है, क्या होगा, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, वैकेंसी आने लग जाएंगी, बस आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि जैसे ही वैकेंसी आए तुरंत सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाए। कभी भी प्यारे विद्यार्थियों हमें आगे का वेट नहीं करना चाहिए, जैसे ये देख लेते हैं स्टूडेंट कह रहे 27 साल तक 35 साल तक दे सकते हैं सीजीएल, तो आराम से करेंगे, क्या दिक्कत, तो वो आराम में ही रह जाते हैं, कभी नहीं कर पाते। आप बस एक अटेम्प्ट देखिए, क्या भरोसा है आने वाले समय का कि वैकेंसी आएगी, क्या भरोसा है कब क्या चीज आ जाए, तो उस चीज में केवल आप अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से करके रखें कि कोई भी अगर वैकेंसी सेंटर में, यूपी में, कहीं भी कोई भी वैकेंसी आ जाती है तो हमसे हमारा जो सिलेक्शन है वो सबसे पहले होना चाहिए। बस आपको उस लेवल पे काम करना है, अपने लेवल को बढ़ाने पे काम करना है, ये नहीं देखना वैकेंसी कब आ रही है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, वहां फोकस नहीं करना है। मैंने देखा है फेसबुक पर 24 घंटे इसकी वैकेंसी आ गई, उसकी आ गई, और लग गए सब लाइन में, ऐसा नहीं।
मैं नहीं करना, तुम्हें केवल अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। वैकेंसी आई ठीक है भैया, फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड आया, कहीं ना कहीं से आपको मिला एडमिट कार्ड लिया, उसके बाद एग्जाम देने चले गए। अपनी पढ़ाई पे बस फोकस करें, आप अपनी पढ़ाई को देखें, तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, बाकी तो सरकार के ऊपर वैकेंसी निकलना हमारे हाथ में क्या है। तो कोचिंग कब खुलेंगी, ये सारे क्वेश्चनों को भूल के केवल एक क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आपको डाउट आते हैं तो डाउट पूछिए, मैंने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, एसडी कैंपस आगरा के नाम से टेलीग्राम पे भी बना रखा है, उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेनी बस। तो देखो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सरकार जो है वो चीनी की कीमत 16.66% से बढ़ा देती है, तो बताइए उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें लास्ट में लैंग्वेज आए कि इस चीज पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब ये है जैसे उसने कहा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो पेट्रोल हो, दाल हो, चीनी हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। 16 से 2.3% वृद्धि चाहे चीनी के मूल्य में हो रही हो, चाहे दाल के मूल्य में हो रही हो, चाहे पेट्रोल के मूल्य में हो रही हो, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल जो 16.66% को अगर परसेंटेज को चेंज करेंगे तो ही प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि लास्ट में कोई प्रभाव ना पड़ेगा मतलब क्या है कि वो वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे, उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपको एग्जाम में नहीं करना, केवल मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद इसी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं आपको कैसे पेपर में सॉल्व करना है वो अप्रोच बताऊंगा, पहले इसको समझ लेंगे भाई, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो मैंने आपको अभी बताया था प्राइस पी और मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है किसी भी आर्टिकल पर कितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर के। अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि ये दोनों चीजों का मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, सरकार पेट्रोल के कीमत, कीमत का मतलब क्या होता है, मूल्य, मूल्य को 16 से 2.3% से बढ़ा रही है, इसका मतलब प्राइस में सरकार वृद्धि कर रही है 16.66% की वृद्धि का मतलब प्लस। देखो देखो परसेंटेज के केस में वृद्धि का मतलब आपको प्लस लगाना है, कमी का मतलब माइनस लगाना है, घटाने का मतलब माइनस लगाना है, बढ़ाने का मतलब प्लस लगाना है परसेंटेज में। तो यहाँ पर उसने कहा कि प्राइस को 16 से 2.3% से बढ़ा रही है, 16.66% से बढ़ा रही है क्वेश्चन में कहा है, तो मैंने प्राइस को 16.66% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट में उसने कहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब ये हो गया कि खर्च जो है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब जितना पहले था उतना ही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और हमसे इसमें परसेंटेज चेंज पूछा गया है, क्यों में हमसे परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी किन्हीं दो राशियों का मल्टीप्लाई तीसरी राशि के बराबर हो तो उसमें सामने वाली जो चीज है, जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, ये आपको अगर कांस्टेंट दिया हो, सामने वाली चीज कांस्टेंट दी हो, मल्टीप्लाई वाली दोनों राशियों में से किसी एक में प्रतिशत परिवर्तन देकर दूसरी वाली राशियों में पूछा हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें वही है, सरकार कीमत के मूल्य को 16.66% से बढ़ा देती है, खर्च में कितने परसेंट से कमी करे कि खर्च, सॉरी खर्च नहीं, कीमत उसकी खपत में कितने परसेंट से कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब खर्च कांस्टेंट क्वांटिटी में पूछा, प्राइस में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना है, अब देखेंगे आप सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो 16 से 2.3% या 16.66% वृद्धि का मतलब क्या है, प्लस 16.66% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अगर वृद्धि होगी तो लगाएंगे आप प्लस, कमी होगी तो लगाएंगे माइनस, अगर वृद्धि होगी तो लगाएंगे प्लस और कमी होगी तो लगाएंगे माइनस, इसको लगाना ना भूलें। ऊपर वाला जो 1 है उसको आपको एज इट इज लिखना है 1,
नीचे, अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों को जोड़कर लिखना है 6 और 1 को जोड़कर लिखना है 6 और 1 7। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों को घटाकर मतलब 6 में से 1 को घटाकर लिखते यहाँ पर 5। मेरे कहने का मतलब अगर प्लस होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, माइनस होगा तो 6 में से 1 को घटाकर लिख देता मैं 5 लिख देता, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे और 1/7 मल्टीप्लाई 100 और 1/7 का परसेंटेज में मान होता है 14 सही 2/7%। अगर पॉइंट में आंसर दिया होगा तो पॉइंट में मैं आंसर कर सकता हूँ 14.28% हमारा आंसर हो जाएगा और कमी में आंसर होगा। कमी में आंसर क्यों होगा? अगर यहाँ वृद्धि हो रही होगी तो यहाँ कमी आएगी और अगर यहाँ कमी हो रही होगी तो यहाँ वृद्धि आएगी। क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो तो मल्टीप्लाई वाली दोनों राशियों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस में वृद्धि हो रही है तो क्वांटिटी में कमी होगी, तो प्राइस में यहाँ पर क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि। तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 14.28%। अब पॉइंट वाली बात क्या है? पॉइंट वाली बात ये है कि सर ये तो हमने रट लिया कि 1/6 वृद्धि है प्लस, यहाँ से इसको रख दिया 6 और 1 को जोड़ के यहाँ, और ये तो रटने वाली बात हो गई। सर ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है वो समझेंगे आप दोबारा से। थोड़ा नीचे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो ये तो आ गया आपका एग्जाम की अप्रोच, लेकिन एक और सॉल्यूशन समझ लेंगे आप इस क्वेश्चन का। और है सेम, कुछ नहीं है, सेम है, लिखने के तरीके अलग है। जैसे उसने कहा कि मूल्य को 16.66% से बढ़ा दिया तो प्लस 16.66% और 16.66% का सीधा फ्रैक्शन बनाएंगे वृद्धि का। तो वृद्धि का फ्रैक्शन कैसे बनता है? 1/6 प्लस है तो कितना हो जाएगा? 7/6। ठीक है। तो ये 16 सही 2/3% की वृद्धि किसमें की गई है? मैंने जब आपको फ्रैक्शन मैंने बताया था, किसी भी प्रतिशत का जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो जिसमें परिवर्तन कहते हैं या जिस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है वो वैल्यू नीचे आती है, जो रिजल्ट होता है वो ऊपर आता है, यही बताया था। तो 16 सही 2/3% वृद्धि करने के बाद जो रिजल्ट है वो तो रहेगा ऊपर और जिस वैल्यू पर निकालना है वो रहेगा नीचे। तो कीमत में वृद्धि कर रहे हैं तो प्रारंभिक कीमत में ही तो वृद्धि की गई होगी। इसका मतलब इतना प्रतिशत प्रारंभिक कीमत पर ही तो बढ़ाया गया होगा, प्रारंभिक कीमत पर बढ़ाया गया होगा। तो इसका मतलब नीचे जो मान आएगा 6 ये आएगा इनिशियल प्राइस का पीआई। पीआई का मतलब प्रारंभिक मात्रा, आई का मतलब इनिशियल, पी का मतलब सॉरी प्रारंभिक मूल्य, पी का मतलब प्राइस मूल्य और आई का मतलब प्रारंभिक इनिशियल। तो प्रारंभिक मूल्य का रेशियो आएगा नीचे और नए मूल्य का पीएन का मतलब न्यू प्राइस, नए मूल्य का रेशियो आएगा ऊपर। तो ये जो 6 और 7 है ये प्राइस का रेशियो हो गया, ये प्राइस का रेशियो होगा प्रारंभिक प्राइस, मतलब प्राइस का जो रेशियो है वो यहाँ से आ गया हमारा 6:7। प्रारंभिक प्राइस अगर 6 था तो आज की डेट में 7 है। ठीक है भाई, ठीक है, ये वाली चीज है। अब उसने क्या कहा? खर्चा कांस्टेंट, तो मैं यहाँ से भाई एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकता हूँ। खर्चा कांस्टेंट का मतलब बराबर बराबर 1:1, पहले भी 1 और आज की डेट में भी 1, तो बराबर बराबर के लिए रेशियो यही बनेगा 1:1। अब मुझे अगर क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, मुझे ये तो पूछा खपत में कितने परसेंट की कमी पड़े, तो हमें बताना है खपत में परसेंटेज चेंज। और खपत में परसेंटेज चेंज बताने के लिए खपत का रेशियो पता होना चाहिए, पहले खपत कितनी करता था और अब खपत कितनी करता है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मात्रा निकालनी पड़ेगी। और मात्रा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मात्रा निकालने के लिए खर्चे को प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मात्रा निकल के आएगी। तो इसको अगर इससे भाग देंगे तो यहाँ से क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। क्यू का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/6 1/7। ये आएगा 1/6 1/7। अब रेशियो के केस में जब ये बटे में आ जाते हैं तो नीचे से इनको हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों के एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा? 7×6 42। तो 42 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 42 का मल्टीप्लाई फिर भाई देखो वहां करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड में करते हैं। रेशियो में किसी भी एक निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे रेशियो में ऐसा नहीं है कि 1/6 में कर दिया इसको छोड़ दिया या इसमें कर दिया इसको छोड़ दिया, तो नहीं, पूरे रेशियो में किसी एक निश्चित नंबर से। तो देखो 6 से कैंसिल करेंगे इसको, 6 से इसको कैंसिल करेंगे 7 बार कट जाएगा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 6 बार कट जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा हमारा 7:6। अब यहाँ से आपको क्वांटिटी का रेशियो मिल गया 7:6, यही आ गया क्वांटिटी का रेशियो। इसका मतलब प्रारंभ
प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी 7 और आज की डेट में कितनी है 6। इसका मतलब पहले पेट्रोल की खपत 7 थी, आज की डेट में 6 है, तो कमी हुई कि वृद्धि? 7 से 6 हुई तो क्या हुई? कमी। और कमी कितने परसेंट की हुई? परसेंटेज कमी निकालेंगे, परसेंटेज कमी निकालेंगे कितने परसेंट की हुई, तो परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं? कितने की कमी हुई? तो 7 से 6 के लिए कितने की कमी हुई? 1 की, वो ऊपर। और कितने पर? जितने में कमी हुई है प्रारंभिक मात्रा पर 7 पर, और मल्टीप्लाई 100। 1/7 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है? 14.28%। तो देखो आंसर सेम है, 14.28% की कमी, 14.28% की कमी। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ 6 की जगह पे हम 7 ले रहे हैं। ये 7 है, ये प्रारंभिक मात्रा है, 1 की कमी है, वृद्धि है। यहाँ पर 1 सेम क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि देखो 7 से 6 हुआ है और 6 से 7, यहाँ 6 से 7 है, तो दोनों का डिफरेंस हर कंडीशन में समान रहेगा, इसलिए उसको सेम कर लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप ऐसे भी जा सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, और ऐसे भी जा सकते हैं। अब इसमें आपको ये वाली चीज है, ये वाली चीज जो मैंने बताई है आपको, इसके लिए मैं एक डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन कभी भी बनेगी, सामने वाला कांस्टेंट हो, इसमें परिवर्तन दिया हो, तो इसके परिवर्तन का उल्टा परिवर्तन अगर क्यू में करते हैं, जैसे यहाँ 6-7 है रेशियो, तो आप चाहे तो क्वांटिटी का रेशियो सीधा लिख सकते हैं प्राइस के रेशियो का उल्टा करके, क्योंकि दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, और इनडायरेक्ट रिलेशन के केस में रेशियो उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसकी वृद्धि कमी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो रेशियो को सीधा उल्टा कर देंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे जो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, सीधा इस लाइन से यहाँ जंप हो सकते हैं 7-6 पर, रेशियो को रिवर्स करके। कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, ये तरीका भी समझ में आ गया होगा, ये तरीका भी समझ में आ गया। क्लियर है? अब आप करके देखेंगे अपने से। देखो एक और सेकंड क्वेश्चन अपने आप करके देखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे फास्ट। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, उसको करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है, स्पीड कैसे निकलेगी वो भी आपको मैं बताऊंगा, वो निकलेगी प्रैक्टिस से। जैसे अब हम ये क्वेश्चन दूसरा पढ़ रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आयत की लंबाई को 9.09% से कम कर दिया गया, तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, पीछे कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल कांस्टेंट। अब नहीं कुछ लेना, अब सॉल्यूशन क्वेश्चन का कैसे करना है आपको। अब मैंने जो आपको पीछे समझाया वो सीधी चीज अगर आपके समझ में आ गई होगी तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो माइंडी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9.09% की कमी, तो माइनस 9.09%, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। कमी की बात कर रहा है, माइनस लगा लिया, ऊपर वाले एक को एज इट इज लिखा, 11 में से एक को घटाकर 10 और मल्टीप्लाई 100, तो हमारा सीधा आंसर हो गया 10% वृद्धि या कमी? वृद्धि। वृद्धि क्यों? क्योंकि इधर कमी है, जब इधर कमी है तो इधर वृद्धि होगी, इधर वृद्धि होगी तो इधर कमी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो हमने पढ़ा है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ बराबर होता है एरिया के, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, और अगर लंबाई में कमी होगी तो चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी। अब बेटा मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप का, पीछे आपको सारी चीजें समझा चुका हूँ, तो फास्ट चल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पीड भी जरूरी है। मैंने आपको उसको इतने धीरे से समझाया वो क्यों? कि आपके माइंड में घुसे। अब मैं फास्ट क्यों चलूंगा? क्योंकि स्लो से भी काम नहीं चलेगा, एग्जाम में चीजों को फास्ट करना पड़ेगा, कम समय में करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फास्ट टेस्ट ब्राउजर भी बनना पड़ेगा। तो पहले सीखें और फिर प्रैक्टिस करें, फास्ट बने। तो देखो यहाँ पर बस इतना, ये चीज आपको एग्जाम में माइंडी माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। 14.27% की कमी, बस मुझे इतना कहना पड़े और आंसर आ जाए। कैसे आ जाए? 14.27% कमी, आपको फ्रैक्शन याद है 1/7, कमी का मतलब माइनस 1/6, 16.3% सर आंसर हो गया। ऐसे करके इन क्वेश्चनों के आंसर करेंगे आप, और पहचानना मैंने आपको बताई दिया है कि दो राशि जब मल्टीप्लाई में हो तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो, इन दोनों में से एक में परिवर्तन देकर दूसरे में पूछे, तो क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीके से आप ऐसे करेंगे, 9.09% कमी का फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 9.09% कमी का फ्रैक्शन बनेगा 10/11।
बिकॉज 1/11 कमी है तो माइनस 10/11 बनेगा, ये तो आ जाएगा। अब ये है किसका रेशियो, ये प्राइस का रेशियो है, इनिशियल प्राइस पीआई और नया प्राइस पीएन, क्वांटिटी का रेशियो बनाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 11/10। अभी बताया मैंने रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया कॉन्स्टेंट है तो ये रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्वांटिटी का प्रारंभिक और ये हो जाएगी क्वांटिटी नई। तो प्रारंभिक मात्रा 10 थी, अब मात्रा कितनी है 11, तो 10 से 11 हो गई तो क्या हो गई, वृद्धि की कमी। तो आप कहेंगे सर वृद्धि हो गई कितने की, एक की, कितने पर 10 पर और मल्टीप्लाई 100, तो आप सीधा आंसर कर देंगे 10%। ऐसे भी जा सकते हैं कंसेप्चुअल, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जैसा आपका मन करे, किसी में भी कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, चलें नेक्स्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि जो एक सिनेमा घर की आय जो है वो 99710 है, टिकटों के मूल्य में 14.28% की कमी कर दी जाए तो बताइए दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो कि सिनेमा घर की आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। आय पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े का मतलब से आपको समझ में चल जाना चाहिए कि एक चीज कांस्टेंट है और हमें पता है सिनेमा घर की आय क्या होती है। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे क्वेश्चन तो ये हो गया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूं पहले, फिर आपको इसको थोड़ा सा वो कर दूंगा एक्सप्लेन। तो देखो सॉल्यूशन देख लेंगे पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो गया यार भाई, ये उसने देखो यहाँ पर इनकम दी, यहाँ पर एक बात समझने वाली है बस, ये क्वेश्चन ओनली आज इसलिए डाला गया है कि इसमें एक चीज बढ़ के आई है पुराने वाले क्वेश्चनों से, कि यहाँ पर जो 99710 दिया है तो स्टूडेंट क्या देखेंगे, हमें शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया है तो वो फालतू में नहीं दिया होता, लेकिन ये कंपटीशन डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ चीजें क्वेश्चन में केवल घुमाने के लिए दी जाती है, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी यहाँ पर जो 99710 आपको आय दी है इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनकम दी है, जो इनकम दी है 99710, इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी प्रयोग नहीं होगा, और इसका प्रयोग कब होगा कब नहीं होगा ये समझने वाली बात है। तो इसका प्रयोग जब नहीं होगा, जब हमें आंसर प्रतिशत में या रेशियो में पूछा जाएगा, जब कभी भी लास्ट में आंसर प्रतिशत में पूछा हो या रेशियो में पूछा हो तो परफेक्ट मान से हमें कोई मतलब नहीं है, और अगर हमें वैल्यू परफेक्ट मान में पूछी है तो हमें फिर इस चीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें उसने हमसे पूछा है कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आए, दर्शकों की संख्या में परसेंटेज में परिवर्तन पूछा है तो आंसर प्रतिशत में पूछा है, तो आय से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधा हो जाएगा कितने परसेंट की 14.28% की कमी, तो बस हो गया क्वेश्चन माइनस 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 कमी की बात कर रहा है, माइनस ऊपर वाले एक को एज इट इज लिखेंगे, 7 में से एक को घटाकर 6 और मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% की वृद्धि। वृद्धि क्यों, वृद्धि क्यों, किसी भी स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा होगा सर अपनी मर्जी से लिख देते हैं वृद्धि कमी, ऐसा नहीं है, अगर यहाँ कमी होगी तो यहाँ वृद्धि आएगी, अगर यहाँ वृद्धि होगी तो यहाँ कमी होगी, क्यों, क्योंकि किसी भी सिनेमा घर में कितने टिकट सेल हुए मल्टीप्लाई एक टिकट का प्राइस कितना है, ये वाली वैल्यू है बराबर होती है सिनेमा घर की इनकम कितनी है। क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब इनकम जो है वो कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, तो अगर टिकटों की संख्या में बिक्री में वृद्धि होगी तो मूल्य में कमी होगी तभी इनकम कांस्टेंट रह सकती है, और अगर टिकटों की संख्या में कमी होगी तो प्राइस में वृद्धि करनी पड़ेगी तभी इनकम जो है वो कांस्टेंट रह सकती है, तो इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर वृद्धि कमी हो रही है तो यहाँ पर वृद्धि होगी, अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर कमी होगी, तो ये यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट से कैसे करेंगे, दूसरे वाले तरीके से चाहेंगे तो उससे ऐसे करेंगे, सेम कुछ नहीं है, सेम चीज 14.28% कमी का फ्रैक्शन सीधा बनाएंगे तो कितना होता है 6/7, मैंने एक वीडियो में आपको बताया सारे फ्रैक्शन 6/7 को उल्टा करके लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला रेशियो जो है प्राइस का है, हमें इसको दर्शकों की संख्या में कन्वर्ट करना है 7 से 6, तो प्रारंभ में दर्शन 6 दर्शक 6 आते थे अब 7 आते हैं, तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई की कमी, तो अब कहेंगे सर वृद्धि कितने की, एक की, कितने पर 6 पर मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3
3% वृद्धि। वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब प्लस, कमी का मतलब माइनस। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आया। इसमें मैंने आपको केवल तीन एग्जांपल दिए हैं, आयत के क्षेत्रफल पर आधारित, खर्चे पर आधारित और एक ही टिकटों के मूल्य पर। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, दो राशियों का मल्टीप्ल तीसरी के बराबर होता है, जैसे F बराबर MA फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे W बराबर NG पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, जो है वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए। इसलिए फोकस आपको केवल समझने पे करना है, क्वेश्चन पे नहीं। ये देखना सर ये क्या करा रहे हो आप, क्वेश्चन बहुत, ये चीज उस क्वेश्चन के पीछे छुपा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसको समझना है, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे लेंथी लेंथी क्वेश्चनों में हमारी हेल्प करेंगे, तो वो समझेंगे, आप कंसेप्ट को समझ के चलेंगे। ठीक, अब देखो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें एक स्टेप आगे चलेंगे, बस देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़ के सुना देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन को एक बार। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, चीनी की कीमत में 25% की कमी होने से, चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के बावजूद खर्च 20% बढ़ जाता है, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। अब इस क्वेश्चन को जांचते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, कीमत की बात कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी और बराबर एक्सपेंडिचर, इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। तो उसने कहा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी, चलो ठीक है, कीमत का मतलब प्राइस माइनस 25%, प्राइस में कमी माइनस 25%। उसने कहा है फिर भी खर्चा 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब खर्चे में परिवर्तन दिया है प्लस 20% की वृद्धि। तो देखो यहाँ पर और इसमें परसेंटेज परिवर्तन हमसे पूछा है, अभी पीछे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें इसमें ये वाली चीज जो है वो कांस्टेंट दी होती थी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दी है, यहाँ पे इसमें भी परिवर्तन दिया है। ऐसे ही पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें परिवर्तन तो दिया होता था, इसमें पूछा होता था, अगर ये यहाँ पे कांस्टेंट कह रहा होता, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिया होता, तो इस क्वेश्चन को मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता। 25% कमी, कमी का मतलब 25% 1/4, कमी का मतलब 1/3, 133 से 1/3% आंसर कर देता बिना सोचे समझे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप हम आगे चले गए हैं, यहाँ पर इसमें भी परिवर्तन दिया है और इसमें भी परिवर्तन दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूँ, फिर कंसेप्ट बताऊंगा। तो पहले देखो डायरेक्ट तरीका समझ लेते हैं, जैसे कमी है, अगर कमी है तो 100 में से आपको घटाकर लिखना है 100 - 25%। ठीक है, वृद्धि है तो 100 में ऐड करके लिखना है 100 + 20। कुछ भी परिवर्तन दिया हो, एक्सपेंडिचर में जो परिवर्तन दिया है, अगर वृद्धि में दिया होगा तो प्लस करके लिख देंगे, कमी में दिया होगा तो माइनस करके लिख देंगे, प्राइस में जो परिवर्तन दिया हो माइनस करके दिया, कमी करके दिया होगा तो घटाकर लिख देंगे, वृद्धि करके दिया होता तो प्लस करके लिख देते, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 120। बस उसके बाद देख लेना 75 को 120 करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, तो 75 को 120 करने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 75 को 120 करने के लिए तो वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की हुई, परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं, कितने की वृद्धि हुई, तो 75 को 120 करने के लिए 45 की वृद्धि हुई, कितने में, 75 में, और मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 बार, 25 दिया 75, 3 से 15 बार, आंसर कितना हो जाएगा 15 × 60% की वृद्धि। इसका मतलब खपत में अगर 60% की वृद्धि की जाएगी तब ये परिवर्तन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, ये हो गया एक तरीका जनरल, मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा कंसेप्ट चल जा सकते हैं, तो कंसेप्ट समझा देता हूं। देखो देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट भाई वो बदलेगा नहीं, हमें पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो उसने कहा है कि प्राइस में, फोर्थ क्वेश्चन है, प्राइस में 25% की कमी, तो सबसे पहले प्राइस का रेशियो बना लेता हूं, तो प्राइस का रेशियो बनाएंगे 25% कमी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, देखो इधर करके दिखा देता हूँ, 25% कमी का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 25% फ्रैक्शन कमी का बनेगा 3/4,
जिन विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन होता हो कि सर इसको सीधा ऐसे कैसे लिख देते हैं, वो पीछे एक वीडियो देखें, उसमें मैंने सारी लैंग्वेज परसेंटेज की कराई है। और जब वो कराई थी तब बोला भी था कि इनका प्रयोग आगे क्वेश्चनों में होना है, तो इसलिए इस चीज को देखें आप। तो 25% कमी 3/4, तो ये तो हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य PII, और ये हो जाएगा नया मूल्य। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा हमारा 4:3। प्रारंभिक मूल्य जो 4 था वो घटकर 3 हो जाएगा। खर्चे में 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या बनेगा? प्लस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 और 1 को जोड़कर 6/5। तो ये तो आ जाएगा पहला वाला क्षेत्र पर, पहला वाला खर्च एक्सपेंडिचर इनिशियल, और ये आ जाएगा नया वाला एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर न्यू। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो देखेंगे, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा बन जाएगा 5:6। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? मात्रा में परिवर्तन पूछा है, तो मात्रा कैसे निकालेंगे? मात्रा कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो क्वांटिटी निकालने के लिए, क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए, क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए खर्च के रेशियो में प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे। तो 5 को 4 से भाग देंगे, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा 5/4 और रेशियो 6/3। 3 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। 4 है नीचे, इसको हटाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर करेंगे 4 का मल्टीप्लाई तो 5, उधर करेंगे तो 4 × 2 = 8। इसका मतलब क्वांटिटी जो पहले 5 थी वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? अब 8 हो जाएगी। तो वृद्धि हुई की कमी? तो 5 से 8 होने में वृद्धि हुई की कमी? तो आप कहेंगे सर वृद्धि, और परसेंटेज वृद्धि निकालनी है हमें, निकालनी है परसेंटेज वृद्धि। तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई? 3 की, और कितने पर? 5 पर, प्रारंभिक पर। हमेशा प्रारंभिक पर कैलकुलेट करते हैं, और मल्टीप्लाई 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार कट जाएगा, 20 × 3, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 60%। देखो 60% ही आ रहा था, तो उससे भी 60% आ रहा था, ऐसे भी 60% आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही करें, कॉन्सेप्ट सब चले तो कभी भी डाउट नहीं होगा। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स क्या है? माइंड में से निकल जाती है, पेपर टाइम पे इतना प्रेशर होता है माइंड पे, इतने एग्जाम मैंने दिए हैं, मुझे सारी चीजें पता है, कहां आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप उनसे बच के चले। अभी सिलेक्टेड से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ही, तो वहां पर बहुत इतना प्रेशर होता है कि ट्रिक्स क्या रखने वाली चीज तो दिमाग में आती नहीं है। इसलिए आप कंसेप्ट चलेंगे तो आपका कितना भी प्रेशर हो वो कंसेप्ट दिमाग से नहीं निकलते, एक बार बस घुसना है, एक बार समझ में आना है तो कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो इसलिए कंसेप्ट चलेंगे तो आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो गया आंसर कितना? 60%। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे, 5 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 5th क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे फास्ट। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, मैंने पहले बताया पहले क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, पूरी जान लगा दूंगा समझाने में, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को फास्ट करूंगा, क्योंकि भाई स्पीड की भी जरूरत है, स्पीड की भी जरूरत है। पहले बता चुका हूँ क्यों जरूरत है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, समय होता है कम, और वो तभी हो पाएगा जब हम स्पीड से करेंगे। स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्पीड के बिना काम चल नहीं सकता। तो देखो देखो क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की गई, तो एरिया भी 10% से बढ़ गया, तो बताइए चौड़ाई में कितने परसेंट का परिवर्तन आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन को, एक्सप्लेन कर देता हूं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बराबर एरिया। तो उसने कहा कि क्षेत्रफल 10% वृद्धि तो प्लस 10%, और लंबाई में 40% वृद्धि प्लस 40%, ब्रेथ में पूछा है, ब्रेथ में पूछा है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं, तो एरिया के रेशियो बनाएंगे सबसे पहले, तो एरिया का रेशियो है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि 1/10, तो वृद्धि का रेशियो कितना बनेगा? 10:11 वृद्धि है ना, तो जोड़ कर लिखेंगे 40% का फ्रैक्शन, तो 40% इधर बना देता हूँ। जिन विद्यार्थियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है वो रेशियो फ्रैक्शन जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसकी वीडियोस देखें, 2/5 प्लस कह रहा है तो 5 × 2 = 7/5, तो यह आ जाएगा 5 से 7। इसका मतलब लेंथ, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो पहले अगर 5 होगी तो आज की डेट में कितनी हो जाएगी? 7। हमें क्या निकालनी है? ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया को लेंथ से भाग देते हैं, तो यहां से ब्रेड्थ का रेशियो निकालेंगे, तो ब्रेड्थ का रेशियो आ जाएगा 10 को भाग देंगे 5 से और 11 को भाग देंगे 7 से, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 2 बार। 7 को हटाएंगे तो 7 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का इधर, तो 7 × 2 = 14, और 7
इधर 11, तो पहले जो चौड़ाई 11 थी, ब्रेथ जो पहले 14 थी, वो अब कितनी हो गई? 11 हो गई। तो इसका मतलब कमी हुई कि वृद्धि? यहाँ पर देखेंगे आप, कमी हुई कि वृद्धि? तो 14 से 11 हो गई, तो क्या हुई? कमी। कितने की? 3 की। तो परसेंटेज कमी निकालेंगे, कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो परसेंटेज कमी बराबर हो जाएगी 3 की कमी, कितने में? 14 में। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। दो से कैंसिल करेंगे 7 बार, दो से कैंसिल करेंगे 50 बार, 50 मल्टीप्लाई 150 बटे 7%। अगर ऑप्शन में आंसर पॉइंट में दिया है तो आप इसको पॉइंट में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 7 × 2 = 14, दो बार जाएगा, एक बचेगा 10, 7 से एक बार जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 × 4 = 28, ऐसे करके 21.4। और आगे अगर निकालना चाहें तो आगे निकाल सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर सामने वाली वैल्यू को इसको कांस्टेंट न देकर, इसको कांस्टेंट न देकर इसमें परिवर्तन पूछा हो तो आप क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चाहे तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही कंसेप्ट से आ सकते हैं, जो मैंने कंसेप्चुअल आपको बताया। पहले जो क्वेश्चन 3 बताए थे वो कंसेप्चुअल भी बताए थे, उसी तरीके से तो ये है, तो ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है? देखेंगे 6 क्वेश्चन नेक्स्ट। पढ़ते रहे भाई, देखो सब हो जाएगा। ये तो कभी सोच नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीजें नहीं सोचनी है। ये फेलियर सोचते हैं, सक्सेसफुल आदमी ये चीजें नहीं सोचते। सक्सेसफुल आदमी तो अपनी सक्सेस को कंफर्म करने के लिए केवल उस पर काम करते हैं, सोचते नहीं है, काम करते हैं। केवल दिमाग में नहीं सोचते, उस पर वर्क करते हैं। और वर्क करने का मतलब आपके लिए क्या है? आपके लिए वर्क करने का मतलब है पढ़ाई। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे सिलेक्शन के उतनी नजदीक पहुंच जाएंगे। हार्ड वर्क जो है वो सबका तोड़ है भाई, कठिन परिश्रम हर चीज का तोड़ है। तो केवल आप पढ़ाई करें और कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, सब मिटा दो, केवल पढ़ाई करो, कर्म करो, बस फल अपने आप मिल जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में इसने कहा है कि चावल की कीमत में 14.28% की वृद्धि हो जाती है, तो 36 किलोग्राम चावल के लिए पर्याप्त धन से वो कितना चावल खरीद पाएगा? यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर आंसर आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा, परफेक्ट में पूछा है। और जब आंसर परफेक्ट में पूछा होगा तो हमें एक परफेक्ट मान पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर वह चावल की कीमत में 14.28% की कमी होने से पहले वाले धन में, मतलब 36 किलोग्राम जो पहले खरीदता था उतने ही धन में आज कितना सामान खरीद लेगा? तो इससे आपको यह पता ना लगना चाहिए कि खर्चा चावल पर कांस्टेंट है। जितने रुपए खर्चे पहले कर रहा था, आज की डेट में भी खर्च उतने ही रुपए कर रहा है। इसका मतलब खर्च कांस्टेंट हो गया, खर्च कांस्टेंट हो गया, तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे आज की क्लास का 6 क्वेश्चन। 14.28% की कमी माइनस 14.28% का फ्रैक्शन बनेगा 6/7। कैसे बनेगा बता चुका हूं। ये प्राइस में, मूल्य में कमी है, तो ये तो आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य का रेशियो पीआई का, और ये आ जाएगा नए मूल्य का रेशियो पीएन का, ठीक है? अब उसने कहा है कि उतने ही रुपए में तो खर्च कांस्टेंट है, तो खर्च कांस्टेंट के केस में अगर हम मात्रा का रेशियो निकालेंगे, क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो अगर प्राइस का रेशियो 7:6 है तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 6:7। क्यों? क्योंकि अगर खर्च कांस्टेंट है, अगर खर्च जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब निश्चित है, अगर खर्च निश्चित है तो उस केस में प्राइस में अगर वृद्धि होगी तो खर्च में कमी होगी, सॉरी तो खपत में कमी होगी, और अगर प्राइस में कमी हो रही होगी तो खपत में वृद्धि हो रही होगी। तो आप देखेंगे यहाँ कमी हो रही है तो यहाँ 6 से 7 हो रही है क्वांटिटी, वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? वृद्धि हो रही है। अब हमें ये बताना है कि पहले उतने रुपए में वो 36 किलोग्राम खरीदता था, आज की डेट में कितना खरीदेगा? तो इसका मतलब पहले 36 किलोग्राम खरीदता था तो प्रारंभिक क्वांटिटी रेशियो में कितनी है? 6। और परफेक्ट में कितनी है? 36। इसका मतलब हमें कितने रेशियो का मान दिया? 6 रेशियो का मान हमें बराबर दिया है उसने, 6 रेशियो का मान बराबर दिया है 36 किलोग्राम के। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 6 से भाग देंगे 36 में, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 6। जब 6 है तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 6 = 42 किलोग्राम। तो नई खपत कितनी हो जाएगी? आज की डेट में कितना खरीद लेगा तो वो देखेंगे, तो आप कहेंगे सर 42 किलोग्राम खरीद लेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 42 kg, 42 kg आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और 7th क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन को।
ऐसे क्वेश्चन के हिसाब या कंसेप्ट क्लियर हो तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। सेवंथ क्वेश्चन, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि, तो एक व्यक्ति 180 रुपए में 5 किलोग्राम दाल कम खरीद पाता है, तो बताइए दाल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखो भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत आता है। यहाँ पर आपको किसी भी चीज की कीमत में परसेंटेज में परिवर्तन दिया होगा, फिर ऐसे लैंग्वेज आई होगी कितने रुपए में इतना कम, तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है आपसे, पहले उसको समझेंगे। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 180 रुपए 5 किलोग्राम कम खरीद पाता है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि दाल की कीमत को जब 20% से घटा बढ़ा दिया जाता है तो 180 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद पाता है, इसका मतलब ये है कि पहले भी 180 रुपए वो खर्च कर रहा था, आज की डेट में भी 180 रुपए खर्च कर रहा है, तो उस 180 रुपए में पहले की अपेक्षा आज 5 किलोग्राम चीज कम आ रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी खर्चा कांस्टेंट है, पहले भी 180 रुपए खर्च कर रहा था, आज भी 180 रुपए खर्च कर रहा है, तो खर्च कांस्टेंट हो गया, खर्च कांस्टेंट हो रहा है तो मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में कमी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में वही कहा है कि 5 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो अगर मुझे खपत का रेशियो मिल जाए तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी पीछे जो क्वेश्चन कराया उससे एक स्टेप आगे बस कुछ नहीं है, तो उसने कहा कि दाल की कीमत में, सिक्स वाला क्वेश्चन है, सॉरी सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवंथ क्वेश्चन है, तो सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि प्लस 20%, तो 20% प्लस का फ्रैक्शन बनेगा 6/5। ये जो रेशियो है ये मूल्य का है, ये जो है रेशियो इनिशियल प्राइस पीआई और नई प्राइस पीएन का रेशियो है, मूल्य का रेशियो है। अब हमें इसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है भाई, अब इसे हमें क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्वांटिटी में कन्वर्ट के लिए मैंने बताया खर्च कॉन्स्टेंट है, एक्सपेंडिचर जो है वो कॉन्स्टेंट है, एक्सपेंडिचर जो है वो कॉन्स्टेंट है, पहले के बराबर है, नियत है, और कितना है 180 रुपए ही खर्च कर रहा है दोनों केसों में, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्वांटिटी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 5 और 6 है तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 6:5, इसका मतलब 180 रुपए में पहले 6 चीज खरीदता था, आज की डेट में 180 रुपए 5 चीज खरीद पाएगा, तो कितना रेशियो कम खरीद पा रहा है, एक इस एक रेशियो का मान उसने हमें बराबर दिया है 5 किलोग्राम के, स्पष्ट का है 180 रुपए 5 किलोग्राम कम खरीद पाता है, इसका मतलब पहले जितनी क्वांटिटी खरीदता था आज की डेट में जितनी क्वांटिटी खरीदता है उन दोनों का अंतर 5 किलोग्राम है, तो एक रेशियो का मान 5 किलोग्राम हो गया, जब एक रेशियो का मान 5 किलोग्राम है तो 6 का निकालेंगे तो 6×5, तो 6 का मान आ जाएगा 30 किलोग्राम, ऐसे 5 का मान निकालेंगे तो 5×5 तो ये आ जाएगा 25 किलोग्राम, इसका मतलब 180 रुपए में, 180 रुपए में पहले 30 किलोग्राम खरीदता था अब 25 किलोग्राम खरीद रहा है, तो अब यहाँ से हमें प्राइस निकालना है, तो एक तो होता है पीआई प्रारंभिक मूल्य, तो और एक होता है नया मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है इस क्वेश्चन में, तो प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, तो मूल्य कैसे निकालते हैं, कितने रुपए खर्च हुए और कितनी खपत, तो कितने रुपए खर्च किए थे उसने, 180 रुपए खर्च किए थे और 180 रुपए खर्च किए थे और कितना खरीदा था, 180 रुपए कितना खरीदता था पहले 30 किलोग्राम, तो अगर मैं 180 रुपए को 30 किलोग्राम से भाग दूंगा तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, तो 30 को 180 देंगे तो आ जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। अगर उसने नया मूल्य हमसे पूछा होता तो 180 रुपए को नई क्वांटिटी से भाग देते, क्योंकि आज की डेट में 180 रुपए में कितना खरीदा है 25 किलोग्राम, किसी चीज पर अगर मैं खर्च बताओ मात्रा पता हो तो खर्च को अगर मात्रा से भाग दे दें तो मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर हमें नया मूल्य पूछा होता तो नया मूल्य पीएन कैसे निकालते, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो प्रारंभिक मूल्य 5 का मान 6 है और नए मूल्य के लिए 6 का मान, चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 180 रुपए में और फिर कितना खरीद रहा है 25 किलोग्राम,
भाग दे देंगे, नया मूल्य आ जाएगा आपका। तो 25 सिंगे 150, तो ये कर सकते हैं आप 25 सिंगे 150, 25 सत्ते 175, 7.2 रुपए पर केजी, ये नया मूल्य आ जाएगा। तो आप नया मूल्य भी यहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने बताया कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल प्राइस पूछा था, तो इनिशियल प्राइस आ जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका मैं आपको, ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बिल्कुल तरीके से बताया है, जैसे हम क्वेश्चनों को पीछे से करते आ रहे हैं। आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, शॉर्टकट देखो इधर देख लेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट, जब अगर रटने वाले जो, ये तो समझने वाली बात होगी भाई। देखो काम नाम के एग्जाम में यही आने वाली है, ये चीज कभी भी बदलेगी नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी मोड़ ले जाए, ये चीज नहीं बदलेगी। ये रटने वाली चीजें हैं, तो देखो जो स्टूडेंटों की समझ में ये नहीं आया वो थोड़ा सा रट लेंगे। कैसे रटेंगे? 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि 1/5 वृद्धि है तो प्लस, ऊपर वाले एक को एज इट इज लिखेंगे, 5 और 1 को जोड़कर 6, 1/6 QI की वैल्यू बराबर करेंगे, जितने किलोग्राम अधिक या कम खरीद पाता है उसकी, 5 किलोग्राम के QI का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 6 × 5 = 30 किलोग्राम प्रारंभिक मात्रा आएगी। नया मूल्य निकालेंगे प्रारंभिक PI, तो फिर वही हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा 30 किलोग्राम, 180 रुपए में 30 से भाग देंगे तो मूल्य आ जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसे आप चाहें तो शॉर्टकट क्वेश्चन में ये रुपए किलोग्राम कुछ नहीं लिखना, एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये रुपए किलोग्राम कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट बस नंबर लिखे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, 20% वृद्धि बस कोने में, 20% वृद्धि 1/6 QI की वैल्यू बराबर हो गई 5, QI की वैल्यू 30, सीधा 180/30 आंसर आ गया 6, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ये नहीं लिखा जाता किलोग्राम ये वो, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। पेपर की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, सारी चीजें बता के चलूंगा, स्पष्ट बता के चलूंगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे चीजों को करना होगा, तब आप फास्ट हो पाएंगे। देखो क्वेश्चन वही है सेम, थोड़े से स्पेस में, स्पेस को भी बचाना है भाई। रफ कितनी भरोगे, जितनी ज्यादा भरोगे, जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना टाइम लगेगा, जितना कम पेन चलाओगे कम लिखोगे उतना ही कम समय लगेगा। पेन को रिड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें माइंड में करनी है। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? तो देखो, देखो एक और क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है भाई, करेंगे उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट कर पाएंगे आसानी से। तो देखो एक और क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ आज की क्लास का एट्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, जो कंसेप्ट समझ जाया है उस पर आधारित क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी की तो 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। जब मूल्य में कमी करी होगी तो अधिक खरीद पाएगा, सीधी सी बात है भाई, मूल्य में कमी तो क्वांटिटी में वृद्धि, और जब मूल्य में वृद्धि हो रही होगी तो उसमें कमी हो रही होगी। ये तो स्पष्ट है आपको सारी चीजें, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, एट क्वेश्चन, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी -10% कमी का फ्रैक्शन बनेगा 9/10, यह आ जाएगा नया प्राइस प्रारंभिक मूल्य, यह आ जाएगा नया मूल्य। क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे रेशियो को, तो क्वांटिटी का रेशियो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है उल्टा हो जाएगा, तो ये 10:9 का है तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 9:10 का। क्वांटिटी का रेशियो इसका बस उल्टा कर दिया करें आप, जैसे 10/9 इसको 9/10 लिख दिया करें, तो ये क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा। प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी और नई क्वांटिटी कितनी है, एन का मतलब नई, आई का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक क्वांटिटी पहले 9 थी अब 10 है, तो कमी आई क्वांटिटी में कि वृद्धि, वृद्धि आई कितने की, 1 की। इस 1 रेशियो का मान उसने हमें दिया है 6.2 केजी, भाई दिया है कि नहीं दिया है, 6.2 केजी दिया है कि नहीं दिया है, नहीं। अब उसके बाद ये भी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा बताइए नया मूल्य क्या होगा, मतलब वर्तमान मूल्य वृद्धि के बाद वाला मूल्य क्या है, तो बाद वाला मूल्य पूछा है, 1 रेशियो का मान 6.2, तो हमें बाद वाले मूल्य के लिए मतलब नए मूल्य के लिए नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, और प्रारंभिक मूल्य के लिए प्रारंभिक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। कितने रुपए में एक्सपेंडिचर उसने हमें दिया है, एक्सपेंडिचर उसने दिया है पहले ही 637 रुपए में, ये एक्सपेंडिचर हो गया कांस्टेंट, 637 रुपए बोल रहा है, सॉरी 837 रुपए बोल रहा है, तो 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम, तो ये होगी नया मूल्य पूछा है, तो नए मूल्य के लिए नई क्वांटिटी पता होना चाहिए, तो नई क्वांटिटी के लिए 10 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 10 × 6.2 तो आ जाएगा 62 किलोग्राम। इसका मतलब नई जो खपत है वो 62 केजी है। प्राइस निकालेंगे नया PN, तो नया प्राइस निकालेंगे तो 837 रुपए में और 62 किलोग्राम की खपत करता है, भाग दे देंगे तो प्राइस आ जाएगा 31 से काटेंगे 31 दूनी 62 दो बार कट जाएगा, 31 63 तीन बार जाएगा,
और यहाँ पर बचेगा आपका 20 सात 31 से करेंगे 837 रुपए। मतलब देखो 31 दूनी 62 या 63, ठीक है 20 बचेगा 207, ठीक है 31 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 21 217, तो 31 से कट नहीं रहा परफेक्ट 837। नंबर में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट देखते हैं। ऐसा हो जाता है एग्जाम में भी हो जाता है, यानी हम जब किसी चीज को 2 × 8 पढ़ रहे होंगे तो 2 × 8 ही आएगा। ऐसे में बार बार 31 दिया कर रहा हूँ, 31 दिया तो वो 63 ही आ रहा है, 21 दिया 63 होता है, 31 दिया होता है 93, तो यहाँ से 3 बार नहीं जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 62 के बाद कितना बचेगा, तो 62 के इसमें से माइनस करेंगे तो 217, और 217 कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 31 से ये कट जाएगा, 31 दूनी 62 और 31 से 7 बार 27/2 और 27/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13.5 रुपए और प्रति केजी, भाई 2 से भी भाग देंगे तो 30.5 रुपीज पर केजी। उसने नया मूल्य पूछा है तो नया मूल्य हो जाएगा 13.5 रुपीज पर किलोग्राम, 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उन्हें प्रारंभिक मूल्य पूछा होता तो 9 रेशियो का मान निकालते और उससे हम जो है 837 को भाग देते। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो एक्सपेंडिचर है ये दोनों केसों में कांस्टेंट रहता है, नई क्वांटिटी के लिए भी और प्रारंभिक क्वांटिटी के लिए भी। जब हमें नया मूल्य पूछा जाएगा तो 837 को नई मात्रा से भाग देंगे, जब प्रारंभिक मूल्य जाएगा तो 837 को प्रारंभिक मात्रा से भाग देंगे तो प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य का रेशियो पता है, नए मूल्य का पता है, हमने नया निकाल लिया तो ये 9 रेशियो का मान हो गया, प्रारंभिक निकालेंगे तो 10 रेशियो का मान निकालेंगे तो वो बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस में कमी आ रही है, तो पहला वाला जो प्राइस है वो ज्यादा होगा, नया प्राइस जो है वो कम होगा, ऐसी ही क्वांटिटी में। तो इस चीजों का इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी बैंक रेलवे सब में आते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और 9th क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर आधारित जो पीछे मैंने आपको बताया है, जैसा कि हम पुरानी वीडियो से आज तक सारे कंसेप्ट जो है टाइप वाइज पढ़ते चले आ रहे हैं, एक एक टाइप को ही एक वीडियो में स्टडी कर रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार से आज में इसी टाइप को स्टडी करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। तो देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे भाई, करने की कोशिश करेंगे। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आर्टिकल बेस्ड है। 9th क्वेश्चन में कहा है कि यदि प्राइस में कमी आने की वजह से एक व्यक्ति 6.43 आम की बजाय 5.6 में 4 आम खरीद लेता है तो प्राइस में परसेंटेज कमी बताइए। तो देखो पहले कितना खरीद रहा था, 6.4 में 3 आम, पहले खरीद रहा था 6.4 रुपए में और 3 आम, ये तो प्रारंभिक खरीद है, ये आर्टिकलों की संख्या है, इधर जो है वो प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है 3 आम, और आज की डेट में खरीद रहा है 5.6 रुपए में और 4 आम, ठीक है, तो पहले 6.4 में 3 खरीदता था, आज की डेट में 5.6 में 4। तो क्वेश्चन में कहा है उसने कि आम की कीमत में कमी आने से एक व्यक्ति 6.4 में 3 की बजाय 5.6 में 4 आम खरीद लेता है तो प्राइस में परसेंटेज कमी बताइए। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें प्राइस और आर्टिकलों के रूप में भाव दिया हो, जैसे 6.4 रुपए में 3 आम और 5.6 में 4 आम, मतलब इस प्रकार से भाव दिया हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको तो जब कभी भी क्वांटिटी में क्वेश्चन आएगा तो जिसमें क्वांटिटी सेम हो, जैसे यहां पर क्वांटिटी सेम है तो क्वांटिटी को सबसे पहले हमें क्या करना है, जब कभी भी ऐसी क्वांटिटी में मूल्य 6.4 रुपए में 3 और 5.6 में 4 के हिसाब से इस प्रकार से आर्टिकल जब अलग अलग हो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जब हमें
परसेंटेज में आंसर करना होता है तो सबसे पहले मात्रा को सेम करना होता है, तभी हम प्राइस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मात्रा को सेम करने के लिए क्या करेंगे, मात्रा को सेम करने के लिए अगर मैं इसमें चार का मल्टीप्लाई कर दूं तो चार का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूंगा तो चार का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ अगर मैं तीन का मल्टीप्लाई कर दूं तो तीन का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूंगा तो तीन का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे तो देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है यहाँ पर, तो ये वाली चीज जो है, अब ये प्राइस किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा चार का मल्टीप्लाई चार चार 16 24 25.6 रुपए। मैं 12 आर्टिकल की तो हो जाएगी खरीद, ऐसे यहाँ करेंगे तीन तो 6 3 18 5 3 15 16.8 रुपए में, और 12 आर्टिकल की हो जाएगी बिक्री। अब देखो क्वांटिटी समान हो गई, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले 25.6 रुपए में 12 आम खरीदता था, अब 16.8 में ही 12 ही आम खरीद रहा है। इसका मतलब जो आम पहले 25.6 रुपए के मिलते थे अब वो 16.8 में मिल रहे हैं, तो बताओ प्राइस में कमी आई की वृद्धि। तो आप कहेंगे सर कमी आई, 25 से 16 हो गया तो कमी आई। अब मैं कहूंगा बताइए परसेंटेज कमी कितनी होगी, तो आप कहेंगे परसेंटेज कमी बराबर होती है सर, कमी कितने की आई पहले ये देखेंगे। तो 25.6 में 16.8 को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गए तो 8.8, 24 में से ये गए तो 8, 8.8 की कमी कितने पर, 25.6 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, कैंसिल कर लेते हैं। तो 4 से 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 3 24 8 2 16 8 से इसको कैंसिल करेंगे 11 बार, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 8 32 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 25 मल्टीप्लाई 11 275 बटे 8 8 3 24 कितना बचेगा 3 35 8 6 32 3 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.4% अप्रोक्स। परफेक्ट नहीं होगा, अप्रोक्स में आएगा क्यों, क्यों? देखो 8 3 24 तीन बार गया, 3 बचा 35 8 6 32 फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, और 8 6 32 अप्रोक्स कर दिया है मैंने, वैसे 8 3 कुछ आएगा 3 7 8 ऐसे आएगा, लेकिन अप्रोक्स में ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब कभी भी क्वांटिटी अलग अलग देके प्राइस दिया हो तो पहला काम क्वांटिटी को सेम करना है, जो नीचे मैंने किया। देखो क्वांटिटी को सेम करने का देख लेना वृद्धि हो रही है कि कमी, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितनी वृद्धि या कमी हुई कितने पर हुई वो नीचे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 34.4%। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज जो मैंने कंसेप्ट बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीजों को धीरे धीरे और स्पीड सारी चीजों को लेके चल रहा हूँ मैं, सिलेक्शन के हिसाब से जैसे सिलेक्शन होगा उसी तरीके से उसी वे में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, एक नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।